और यही पवन सिंह जी का घर है, उनका घर है। और तो फाइनली दोस्तों हम उनके घर के अंदर आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं हूं अभी आरा जंक्शन के पास, देख सकते हैं आरा जंक्शन में मैं सेल्फी से दिखा रहा हूं, इसीलिए उल्टा नजर आ रहा होगा आप लोग को। मैं बता दूं दोस्तों कि मैं जाने वाला हूं पवन सिंह के घर की ओर। पवन सिंह का घर दिखाऊंगा, उनको फैमिली मेम्बर से भी मिलाऊंगा। उनका न्यू अभी गाना आया है होली में ही कि फलाना वो फरार भैली, तो उनका अगर गाना सुनते होंगे आप, अगर दिलचस्पी रखते हैं पवन सिंह से, तो ये वीडियो स्किप ना करें दोस्तों। मैं चलते हैं उनके घर की ओर और मैं दिखा दूं दोस्तों कि यही आरा जंक्शन है, आप देख सकते हैं। देखिए एक ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पे। जंक्शन से सलेमपुर गांव में पहुंच चुके हैं, ये सलेमपुर बाज़ार है और यहाँ से ही चलेंगे जोकोहरी जहाँ पे पवन सिंह जी का घर है, उनका पुराना घर वहीं पे है। ये देखिए ये ऑटो है, इसी से मैं ऑटो रिजर्व किया है 150 रुपये में। और ये भैया जी है, इन लोग यही लोग हमें बताएं कि जोकोहरी उनका घर इधर है पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग जोकोहरी गांव में अंदर पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द पवन सिंह जी का घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए तो फाइनली दोस्तों हम अभी जोकोहरी गाँव में पहुँच चुके हैं अंदर और यही पवन सिंह जी का घर है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस कैमरा से, देखिए यही उनका घर है। और मैं बता दूं दोस्तों कि पुराना घर, सबसे पुराना जोकोहरी गांव में ही वो रहते थे, यही सबसे पुराना घर है उनका। यहीं से वो पढ़ाई लिखाई सारा चीज़, इनका जन्म भी यहीं हुआ था। और देखिए उनका एक कार भी यहाँ पर लगा हुआ है और इधर बगीचा जैसा है। चलिए दोस्तों चलते हैं उनके घर की ओर और देखते हैं उनका घर कैसा है और उनके फैमिली मेम्बर से भी मिलने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो आगे से कुछ इस प्रकार का नज़ारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा घर है इनका और गेट तो बहुत शानदार है। और देखिए सामने में एसी भी लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा घर है, खूबसूरत। और बगीचा भी है और इनका एक गाड़ी है यहाँ पे, ये गाड़ी भी लगा हुआ है। और हम लोग इस रोड के जरिए आए थे जोकोहरी गाँव में सलेमपुर होते हुए। आपको अगर आना होगा दोस्तों तो मैं बता दूँ को आरा स्टेशन से आपको सलेमपुर आना होगा और सलेमपुर से जोकोहरी गाँव में आना होगा। इनका घर एक और है स्टेशन पर भी, पकड़ी चौक के पास। तो चलते हैं इनके घर की ओर और देखते हैं इनके फैमिली मेम्बर से मिलने का कोशिश करते हैं कि कौन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं और ये ऐसा घर है उनका, बहुत ही अच्छा लंबा चौड़ा घर है। आगे देखिए एक स्कूटी भी लगा है, उनको सारा फैमिली यहीं रहते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम उनके घर के अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं यही पवन सिंह जी का घर है। और ये देखिए उनका बहुत सारा तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत सारे शील्ड वो जीते हैं। आज तो इतने बड़े वो स्टार बन चुके हैं कि बात कहिए मत, भोजपुरी का नंबर 1 स्टार है वो पवन सिंह जी का। उनका एक घर है और ये उनका ये सब देख सकते हैं, फोटो है बहुत सारा उनका यहाँ पे रखा हुआ, ये सब शील्ड वो जीते हैं। और इधर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए वो शील्ड, बहुत सारा शील्ड जीते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। और ये उनके पापा जी हैं, पिताजी पवन सिंह जी का ये पिताजी हैं और ये उनके दादाजी हैं और दादी जी हैं। और ये शील्ड देख सकते हैं आप, इस पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए पवन सिंह का नाम लिखा हुआ है, पवन सिंह जी लिखा हुआ है ना। ये मलेशिया से वो शील्ड जीत करके लाए थे, देखिए यहाँ पर मलेशिया लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2018 में वो जीते थे ये वाला ये शील्ड। बहुत सारे शील्ड है यहाँ पे और देखिए बहुत सारा तस्वीर, अच्छा घर उनका। देखिए इधर भी उनका एक फ़ोटो लगा हुआ है पवन सिंह जी का, इधर भी फ़ोटो लगा हुआ है पवन सिंह जी का, बहुत ही खूबसूरत घर है दोस्तों। वो यहाँ रहते नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा सजावट है, उनके चाचा लोग रहते हैं यहाँ पे। यही पवन सिंह जी का पिताजी हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये इधर वो दादाजी और दादी जी हैं पवन सिंह जी का। उनका घर में देखिए एक बुलेट भी लगा हुआ है, एक स्कूटी भी है और एक कार तो आपको पहले ही मैं दिखा चुका, 3 गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। और घर के आंगन में देखिए फ्लावर लगाया हुआ है खूबसूरत के लिए, और बहुत अच्छा खूबसूरत घर है इनका, आप देख सकते हैं बगीचा भी है। और बहुत रिस्पेक्ट मिला मुझे, अंकल जी मुझे अंदर आने दिए और वीडियो बनाने दिए, दिल से उनके लिए शुक्रिया। इस घर में आने के बाद बहुत मुझे रिस्पेक्ट और इज्जत मिला दोस्तों, बहुत दिल से शुक्रिया मैं चाचा जी का, पवन सिंह जी का वो चाचा हैं, मुझे अंदर आने दीजिए और वीडियो बनाने दिए और मुझे नाश्ता के लिए भी इन्वाइट किए। और वो मैं बता दूं कि वो घर पर रहते नहीं हैं, क्योंकि वो तो इतना बड़ा स्टार बन चुके हैं भोजपुरी का कि मैं क्या बताऊं आप लोग, तो खुद जानते होंगे, वो रहते हैं मुंबई में। लेकिन दोस्तों पवन सिंह का घर देख के अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दूर से मैं आया हूँ और 5:30 बज चुका है और मुझे अभी घर पर भी जाना है दोस्तों। मेरा मेहनत के लिए आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।